कम से कम हम कुछ गलत देखते भी है, सुनते भी है, कभी भी एक दूसरों को नहीं सुना था सवेरे गलत समाचार कभी सुनाना चाहिए, सुनाना चाहिए जरूर, क्या शुभ समाचार सुना। अगर उनको गलत सुना हो तो कोई कुछ कर सकता है? उनके मन में गलत बातें क्यों रखना चाहिए? ठीक कभी कभी रखना चाहिए भाई, बताओ कुछ गलत देखा सुना तो दूसरों को सुनाना चाहिए ना? हाँ नहीं चाहिए, कभी कभी सुनाना चाहिए, नहीं पक्का माता है बताओ, थोड़ा सुनाना चाहिए, नहीं पक्का। हाँ एक दूसरे को कहते हैं हमारा चिंतन निंदा, भगवान के बच्चों की निंदा कैसे भी खराब है लेकिन वो भी भगवान का बच्चा है ना, अगर उसको ठीक करना चाहते हो तो उसको ठीक करने के लिए भी बाबा को देखो, बाबा ने व्यवस्था बहुत सुंदर सुनाई 1979 हाँ, 2 साल के अवैध मूल्य में बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि आप इधर ही बाबा के सेंटर में ही, तो एक भाई है माता है बहुत गुस्सा करते हैं, बाहर का खाते हैं, चाय पी गए, माता जी ने देखा ये भाई रोज क्लास भी करता है, योग भी करता है, बहुत गुस्सा भी करता है, दूसरों को दुख भी देता है, बाहर का भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, तंबाकू भी खाता है, तो क्या करेंगे आप? आपने देखा क्या करेंगे? अगर आपने गलत देखा सुना कोई माँ बाप है ना, माँ के बच्चे तो नहीं, धनी तो ही है बाबा के कमरे में, बाबा ये आपका बच्चा रोज क्लास में अभियोग भी करता है, देखो बाहर का भी खाता है, गुस्सा भी करता है, चोरी भी करता है, इसको आप संभाल करो, ये आपकी बेइज्जती होगी, आपका बच्चा है, बाबा को सुनो। फिर आपके बाबा एक तो बरंदा में बैठा है, एक तो सुखमत में बैठा है, कोई सुनता नहीं हमारे पास, तो क्या करें, किसको सुनाएं? कभी कहेंगे तो बाबा सुनता ही नहीं, तो बाबा ने कहा निमित्त टीचर को बताओ, टीचर भी उनकी मिली जुली है, वो भी मेरी सुनती है। हाँ फिर क्या करो? फिर बाबा ने कहा क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो? विधि बनाया, 4 विधि दिया, क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो? अगर आपने उसको कहा मानेगा तो क्या करें? तब बाबा ने कहा हाँ, अगर आपको लगता है हमारा भाई है हमारे सेंटर में आता है, भाई जी घर में कोई गलत कुछ करता है उसको ठीक करना चाहिए ना, क्या आप ठीक कर सकते हो? हाँ कर सकते, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उसके पास जाओ, भैया आप बहुत अच्छे हो, रोज क्लास करते हो, योग करते हो, महिमा करो उसकी अच्छी तरह से, आप बहुत अच्छे हो, रोज क्लास करते हो, योग करते हो, शिव बाबा के बच्चे हो, ऐसे करो, फिर कल आप रस्ते पर उनके साथ जोर जोर से बात कर रहे थे, लोग क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार आपस में लड़ते हैं, ऐसे बोलेंगे, अगर वो सभ्य है तो क्या बहन जी मुझे उस समय होश नहीं था, भूल हुई, दोबारा ऐसा नहीं होगा, अगर वो थोड़ा कठोर है मैंने तो सुना कि आपने को देखा, आपको किसने कहा देखने के लिए? आपको भी कुछ बोलेगा, वो भी सम्मान करने की शक्ति चाहिए। अगर अपना परिवार कहते हो तो बाबा ने कहा किसी को सुधारना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो तो समझाने के लिए विधि बताया, कैसे? पहले उसकी महिमा करो, महिमा करके उसको बताओ है कि आपके कपड़े पर तार लगा, मैं साफ करूं, अगर वो सब भी अच्छा है नहीं नहीं मैं साफ करता हूं, नहीं तो मेरे कपड़े पर तार लगा आप ही क्यों देख रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, ये भी बोलेगा। तो बाबा ने दोनों व्यवस्था दिया है, अगर कोई कठोर व्यक्ति है तो आपको ही बोलेगा, तो आपको सहन करने के लिए ताकत चाहिए। अगर बाबा का बच्चा अगर गलत भी बोलता है कुछ तो भी सहन करने की चाहिए चाहिए, अगर उसको परिवर्तन करना चाहते आपके अंदर शक्ति है उसकी महिमा करके उसको समझाना चाहिए, है ना? नहीं तो क्या होता, किसी को बाबा ने कहा आपको वॉचमैन तो नहीं बनाया, जो कोई करता वो अपने लिए, आप अपना करो अपना देखो, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्या है, तो किसी को ड्यूटी दिया नहीं। तो कैसे संसार में चलना चाहिए, पवित्रता किसको कहा? कि मन सच वाणी सच जितना हो सकता है, तन सच मन सच